Hey guys, welcome to Mind Bee Academical Institute. This is our third lecture of units and measurement, in which we are going to discuss about dimensions and dimension analysis. Also, कुछ problem हम यहाँ देखेंगे. But before this, please visit www.mind-bee.com and complete your registration for live lectures. Also, subscribe our YouTube channel Mind Bee for upcoming videos. Dimensions and dimensional analysis. ओके हमें देखना है कि डायमेंशंस क्या है और उनके एनालिसिस किस तरह से किए जाते हैं. उसके पहले हम कुछ टर्म्स देखना चाहेंगे. अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज. हमने पहले देखा है कि एक कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हम फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन में या फिर एक सिंगल फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लीकेशन करके हम यूज करते हैं. एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं एरिया का. एरिया क्या है हमारा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. ये फॉर्मूला है एरिया का, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. सो एरिया इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट, जिसमें हमने एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी यूज किए पर वो दो बार यूज किए. कॉम्बिनेशन लेंथ का है वहां पर, राइट. तो ये हमें पता है. फॉर कन्वीनियंस द बेसिक क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल. कन्वीनियंटली इन बेसिक क्वांटिटी जो है, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, ये पर्टिकुलर सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं. और जो सिंबल आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं या मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो सिंबल हमें यूज करना है डायमेंशंस लिखने के लिए. ओके, सो पहले हम देखेंगे एल. एल क्या के लिए यूज कर रहे हैं हम? लेंथ के लिए. उसके बाद कैपिटल एम हम यूज कर रहे हैं मास के लिए. उसके बाद हम कैपिटल टी यूज कर रहे हैं टाइम के लिए. यहां टेम्परेचर नहीं है, टाइम है. टाइम के लिए यूज कर रहे हैं हम टी, और ऑब्वियसली हम टाइम के लिए स्मॉल टी यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कैपिटल टी टाइम के लिए. उसके बाद हम करंट के लिए आई यूज कर रहे हैं, और टेम्परेचर के लिए हम कैपिटल के यूज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, तो इसलिए हम टेम्परेचर के लिए के यूज करेंगे. फिर सी हम यूज करेंगे लुमिनस इंटेंसिटी के लिए. कौन सी चीज के लिए? लुमिनस इंटेंसिटी इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसके लिए हम सी यूज करेंगे. और एट लास्ट हम मोल यूज करेंगे अमाउंट ऑफ मास के लिए. जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं पहले लेसन के अंदर कि किस तरह से मोल फाइंड आउट किया जाता है, तो मोल अमाउंट ऑफ मास है, तो मोल हम यूज करेंगे फिजिकल क्वांटिटी जो अमाउंट ऑफ मास में रिप्रेजेंट करते हैं उस क्वांटिटी के लिए. तो यहाँ पे आप सब लोगों को ध्यान में आ गया, ये हम यहाँ पे पैरामीटर्स यूज करेंगे टू राइट डाउन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, राइट, डायमेंशनल फॉर्मूला. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है आप आगे देख ही लेंगे. ओके, टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी इसके लिए हम ये सिंबल्स यूज करेंगे. सो देखते हैं अभी डायमेंशंस क्या है. द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू व्हिच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. गिवन फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटी के क्या है? पावर्स है. और वो काय के लिए यूज करते हैं? टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ दैट गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी गिवन टू यू. ओके, समझ में आया आप लोगों को डायमेंशंस क्या है. पहले इसके बाद हम डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, उसके बाद जब हम डायमेंशंस लिखेंगे तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली डायमेंशंस क्या है. When we represent any derived quantity with appropriate powers of symbols of the fundamental quantities, then such an expression is called dimensional formula. Okay? उसे हम कहते हैं dimensional formula. वो dimensional formula express किया जाता है square bracket से, ना कि round bracket, ना कि कोई other bracket. Only square bracket से ही हम dimensional formula लिखते हैं. और डायमेंशन फॉर्मूला जिस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं उसके अंदर जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगी या फिर जितने भी लेटर्स रहेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को,
तो उन क्वांटिटी के बिटवीन के में हम कॉमा नहीं देंगे, इन बिटवीन, राइट, हम वहां पे कॉमा नहीं देंगे उनके बीच में, राइट। सो पहले डायमेंशन क्या है वो देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे, एरिया का एग्जाम्पल ले रहा हूं, कंसिडर कीजिए ये एरिया है, एरिया हमने अभी जस्ट देखा है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ओके। सो इसको अगर सिंबॉलिकल लिख दूं मैं तो एल इंटू एल हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे पावर दोनों की कितनी है, वन वन है, तो एडिशन होके क्या हो जाएगा, एल की पावर रहेगी दो, एल स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे। और इसे अगर ये एरिया के एल स्क्वायर को अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लिया तो ये हो गए आपके डायमेंशंस, और ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया, ये हो गया आपके डायमेंशंस। टू इन लेंथ, इसे रीड किस तरह से करना है, टू इन लेंथ, एल स्क्वायर रीड नहीं करना है, टू इन लेंथ, ठीक है। जनरली हम कोई भी डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं, एल एम टी, ओके। बट हमें यहाँ पे किस कौन सी क्वांटिटी लिखनी, एरिया, एरिया में क्या है, लेंथ है, मास टाइम में क्या नहीं, सो यहाँ पे एरिया की पावर, लेंथ की पावर आ जाएगी दो, क्यों, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ है, मास जीरो, टाइम जीरो। तो ये हो गए आपके एरिया के डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, टू इन लेंथ, जीरो इन मास, जीरो इन टाइम, इसे इस तरह से रीड करना है, ओके। इनके बीच में कॉमा देना नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट से ही हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। समझ में आया आप लोगों को? तो आगे आप लोगों को आपके नोट्स के अंदर 50 से 60 फिजिकल क्वांटिटीज, उनके SI यूनिट, उनके फॉर्मूला, उनके डायमेंशन दिए हुए हैं जो आपको लर्न करना है। बट अगर आपको SI यूनिट मोस्टली सब क्वांटिटी के पता है, और अगर आपको SI यूनिट पता होंगे तो आप इजीली डायमेंशंस निकाल पाओगे, और अगर आपको डायमेंशंस पता है तो आप SI यूनिट इजीली निकाल पाओगे। यहाँ पे एरिया का हमने डायमेंशंस निकाले फॉर्मूले के ऊपर से, उसका SI यूनिट हमें पता नहीं है, एरिया का SI यूनिट हमें पता नहीं है, तो डायमेंशन का यूज करके यहाँ पे देखा है, टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, अब एरिया हमें गिवन फिजिकल क्वांटिटी है तो आप उसका यूज करके हम यूनिट किस तरह से निकालेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए एल की पावर कितनी है, दो, मास की पावर कितनी है, जीरो, टाइम की पावर कितनी है, जीरो। अब हमें ये तो पता ही है एल क्या है, हमारा लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट हमें पता है क्या रहता है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू लिख रहा हूं मैं, ओके। लेंथ का ऐसा यूनिट रहता है मीटर, लेंथ की पावर टू है तो मीटर की पावर भी क्या रहेगी, दो रहेगी, बाकी के जी जीरो है, सेकेंड जीरो है, तो एनीथिंग रेस टू जीरो, वन, तो मीटर स्क्वायर इंटू वन, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इंटू वन, मीटर स्क्वायर, सो यहाँ पे आ गया आपका मीटर स्क्वायर। और ये क्या है, इज नथिंग बट द एसआई यूनिट ऑफ एरिया। देखिए हमने डायमेंशन का यूज करके एसआई यूनिट फाइंड आउट कर ली, और वाइस वर्सा, आप SI यूनिट अगर आपको पता है, आपको डायमेंशंस पता नहीं है तो आप SI यूनिट का यूज करके डायमेंशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इल्यूस्ट्रेशन, अब हमें कुछ इल्यूस्ट्रेशन, कुछ एग्जांपल देखना है, राइट। डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला सभी को पता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे डिस्प्लेसमेंट आप सभी लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट व्हाट, लेंथ, सेकेंड लेसन में देख, सेकेंड वीडियो में देखा है हमने, फर्स्ट लेसन के, राइट, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लेंथ, दोनों की डेफिनेशन भी हमने एक्सप्लेन की थी, और टी स्टैंड्स फॉर क्या है हमारा, टाइम। अब हमें पता है कि हम लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल एल, टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी। समझ में आ रहा है आप सब लोगों के यहाँ पे, सो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में एल और स्क्वायर ब्रैकेट में टी, क्योंकि यहाँ पे मैं डायमेंशन निकाल रहा हूँ इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे जिसमें आपको दिखा रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का यूज किया है, बट आपको स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करना है, कंपल्सन है, ओके। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लेंथ, टाइम इज नथिंग बट द टी, और वहां पे पावर स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो ऑटोमेटिकली पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। अब जनरली यहाँ पे मास से क्या नहीं है, बट अगर हम डायमेंशन लिखते हैं तो हम एल एम टी के फॉर्म में लिखते हैं, सो एल वन इन लेंथ,
मास या है नहीं, किलोग्राम या है नहीं, सो जीरो इन मास एंड टी डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स पावर नेगेटिव पावर हो जाएगी, सो माइनस वन। आगे आप सभी लोगों को ध्यान में, वन इन लेंथ जीरो इन मास माइनस वन इन टाइम, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस वी कैन फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हियर फिजिकल क्वांटिटी इज वेलोसिटी, सो वी कैन फाइंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसका यूज करके हम क्या यूज निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। अगर आप सीजीएस यूनिट कंसीडर करोगे इन क्वांटिटी के, तो आपको सीजीएस मिल जाएगा। अगर आप एसआई यूनिट यूज करके, तो आपको एसआई यूनिट मिल जाएगा। सो हम एसआई यूनिट फाइंड करेंगे वेलोसिटी का, विच इंप्लाइज यहाँ पे मीटर, मीटर की पावर कितनी रहेगी वन, केजी, केजी की पावर रहेगी यहाँ पे जीरो, फिर टाइम, टाइम की पावर रहेगी यहाँ पे माइनस वन। सो एनीथिंग रेज टू जीरो इज नथिंग बट वन, मीटर इंटू वन मीटर। सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, और इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकेंड, इसे कहते हैं मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका एस आई यूनिट, कौन सी क्वांटिटी का एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये आ गया आपका वेलोसिटी का एस आई यूनिट, डायमेंशंस का यूज करके हमने वेलोसिटी का एसआई यूनिट फाइंड आउट कर लिए है। ओके, आगे है सेकंड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। सिंपल, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। अब वेलोसिटी के डायमेंशंस हमें पता है क्या है, वन इन लेंथ जीरो इन मास माइनस वन इन टाइम, और नीचे क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस नथिंग बट द लेंथ, हमें पता है मास टाइम जीरो जीरो रहेगा यहाँ पे। So, ये वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा जीरो। सो फाइनली आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायमेंशंस मिल जाएंगे, जीरो इन लेंथ जीरो इन मास माइनस वन इन टाइम। और डायरेक्टली आप इस डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके लिख सकते हो एसआई यूनिट वन अपॉन सेकेंड। ये हो गया आपका एसआई यूनिट, किसका एसआई यूनिट है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का एसआई यूनिट वन अपॉन सेकेंड। समझ में आ रहा है सब लोगों के यहां तक, वेलोसिटी का हमने डायमेंशन देखे, डायमेंशन से एसआई यूनिट निकाले, फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट के फॉर्मूला में बताता वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी के डायमेंशन हमने अर्लियर निकाले थे उसको बस हमने डिस्टेंस एल से डिवाइड किया, तो हमें डायमेंशन मिल गया वेलोसिटी ग्रेडियंट के। एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, बट यहाँ पे एक थर्ड एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, फोर्स। आप सभी को पता है फोर्स का एसआई यूनिट एन है, फोर्स को हम कैपिटल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, बट हमें एन भी यूज नहीं करना है और एफ भी यूज नहीं करना है जब हम फोर्स के डायमेंशंस दिखाएंगे, हमें उसके डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ एल एम टी में ही दिखाने हैं। तो अब बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि फोर्स का एसआई यूनिट हमें पता है न्यूटन है, फिर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे। सिंपली फोर्स का बेसिक फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसका एसआई यूनिट न्यूटन है, हमें पता है जो हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो न्यूटन अगर हम यूज नहीं कर रहे तो हम क्या यूज कर सकते हैं, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें किलोग्राम मतलब मास आ गया बराबर, मास यहाँ पे एम, मीटर मतलब लेंथ आ गई, सेकेंड मतलब टाइम आ गया, एल एम टी तीनों अपने को क्वांटिटीज यहाँ पे मिल गए। सो इजी है, क्या है, किलोग्राम वन है मतलब वन इन मास, मीटर मल्टीप्लिकेशन में वन है मतलब वन इन लेंथ, ये पर सेकेंड स्क्वायर है मतलब डिनोमिनेटर में सेकेंड का स्क्वायर है तो उसका इनवर्स हो जाएगा माइनस टू। ये मिल गया आपको डायमेंशन फोर्स के। आगे आप सब लोगों के ध्यान में, वन इन लेंथ वन इन मास माइनस टू इन टाइम, और ये कंपल्सरी आप सभी लोगों को लर्न करना है फोर्स के। आगे बहुत सारे फॉर्मूलाज है जिसके अंदर हमें फोर्स का यूज करना है, तो अगर फोर्स के हमें डायमेंशन हमने लर्न कर लिए है तो फोर्स के डायमेंशन का यूज करके हम न्यूमरस डायमेंशन आगे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को ये लर्न करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके तो चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट और डायमेंशंस। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास किलोग्राम है पर मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर डिनोट करता है क्यूबिक मीटर मीटर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम का एसआई यूनिट है सो केजी पर मीटर क्यूब हमें पता है सिंपली केजी है मीटर क्यूब टाइम है क्या नहीं सो टाइम जीरो हो जाएगा केजी मतलब यहाँ पे मास में वन इन मास हो जाएगा और मीटर रेस टू थ्री है डिनोमिनेटर में तो माइनस थ्री इन लेंथ हो जाएगा सो देखिए माइनस थ्री इन लेंथ वन इन मास जीरो इन टाइम। मिल गया आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसा यूनिट पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्स का एग्जांपल, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटर सेक्शन, मैंने अर्लियर एग्जांपल लिया था किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों एक ही है ओके सो इनका ऐसा यूनिट तो यही है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वन इन लेंथ वन इन मास माइनस टू इन टाइम। सेम इम्पल्स है, वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है। हाँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब सेम जैसे न्यूटन था यहाँ पे जूल है ओके फिर जूल का ऐसा यूनिट हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वर्डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल है आपको मैंने पहले बताया फोर्स का आप लर्न करके रखिएगा। फोर्स का हमने लर्न करके अगर लग रही है तो वन इन लेंथ वन इन मास माइनस टू इन टाइम, ये फोर्स का हमें पता है ऐसा यूनिट है, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है बराबर। उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, वन इन लेंथ सो वन वन टू हो जाएगा हमें मिल जाएगा वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला, टू इन लेंथ वन इन मास माइनस टू इन टाइम। उसके बाद हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, दोनों का फॉर्मूला अलग है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला डिफरेंट है बट एसआई यूनिट सेम है, अगर एसआई यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशंस भी सेम रहेगी वट एवर मे बी द फॉर्मूला राइट। कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, दो या तीन फिजिकल क्वांटिटीज है जिन सबके एसआई यूनिट सेम है तो उन सबके डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम ही रहेंगे। मैंने पहले बोला था आपको फोर्स का लर्न करना है, फोर्स के साथ आपको वर्क और एनर्जी का भी लर्न करना है राइट। वन वन माइनस टू टू वन माइनस टू कुछ भी डिफरेंस नहीं है, फोर्स वन वन माइनस टू है, एनर्जी वर्क डन में फोर्स के साथ में वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट अटैच होता है लेंथ अटैच होती है इसलिए टू वन माइनस टू। समझ में आप सभी लोगों को, फोर्स ध्यान में रखना है वन इन लेंथ वन इन मास माइनस टू इन टाइम और उसी के साथ आपको एनर्जी वर्क डन का भी ध्यान में रखना है टू इन लेंथ वन इन मास माइनस टू इन टाइम, वन वन माइनस टू टू वन माइनस टू। ये आप लोगों को कंपल्सरी लर्न करना है आगे चल के, मोस्टली फिजिकल क्वांटिटीज में ये क्वांटिटी के अगर डायमेंशन पता है तो इजीली हम उनके भी निकाल लेंगे ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अभी यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, अब डायमेंशन एनालिसिस का यूज करना है सो उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहले टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, अब कोई भी एक फिजिकल इक्वेशन है तो उसका करेक्टनेस हमें चेक करना है। अब ऑब्वियसली LHS RHS इक्वल है तो इक्वालिटी का साइन बीच में आता है तो उसकी करेक्टनेस मतलब जो इक्वालिटी साइन बीच में आया तो दोनों साइड की जो डायमेंशन है वो सेम है या डिफरेंट है हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके करेंगे। डायमेंशन अगर दोनों साइड के सेम अगर आते हैं हमारे तो इक्वेशन हमारा करेक्ट है। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे, कौन सा एग्जाम्पल है देखिए, इन एनी इक्वेशन रिलेटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स आर द सेम देन दैट इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट। अगर सेम साइड के ऊपर जो टर्म्स है अपोजिट साइड के ऊपर जो टर्म्स है वो सेम रहेगी तो डायमेंशनली वो इक्वेशन करेक्ट है ऐसा कहा जाता है, ऐसा ये रूल बता रहे हैं राइट। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ये प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो अभी हमें प्रूफ करना है यूजिंग डायमेंशंस, इसे ही हम कहेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। सो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ पैरामेटिक्स क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। कितना समझ में आता है आपको, ये फर्स्ट इक्वेशन है नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने देखा है, v इज नथिंग बट द फाइनल वेलोसिटी, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, ये क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, हमें आगे मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन में देखना ही है ओके। उसके बाद a है आप लोगों का एक्सेलरेशन और t है टाइम। तो जो ऊपर दिया हुआ है स्टेटमेंट में, डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स आर द सेम, देन द इक्वेशन सेट टू बी डायमेंशनली करेक्ट। अब आप लोग कहेंगे
सर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन इनिशियल वेलोसिटी डायमेंशन सेम रहेगा, बट ये दो है तो इसके डायमेंशन इसके अंदर ऐड हो जाएगा ना? नहीं ऐड होंगे। ऐड कब होंगे? जब सेंटर में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन रहेगा या एडिशन का साइन है। इट मीन्स एडिशन का साइन रहो, सब्ट्रैक्शन का साइन रहो, वी के जो डायमेंशन से वही यू के होने चाहिए और वही ए टी के होने चाहिए। एरो में ऊपर की तरफ कर रहा हूं, उसे ही हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो देखते हैं वेलोसिटी के डायमेंशन हमने फाइंड आउट किए थे, वेलोसिटी के डायमेंशन। तो पहले से डायमेंशन फॉर्मूला में लिख लेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम सिंगल देखेंगे, बाद में हम प्रूफ करेंगे। वेलोसिटी के डायमेंशन, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड हमने निकाल लिया था, क्या था? वन इन लेंथ, मास नहीं था तो जीरो इन टाइम, सेकेंड डिनोमिनेटर था तो माइनस वन इन टाइम। सेम यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, सो इनिशियल वेलोसिटी के भी डायमेंशन आपको मिल जाएंगे, वन इन लेंथ, जीरो इन मास, माइनस वन इन टाइम, उसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहेगा क्योंकि वेलोसिटी है। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन और टाइम के मल्टीप्लीकेशन पर, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन के डायमेंशन इंटू टाइम के डायमेंशन। ओके, सो एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या है? यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन का, सो मीटर वन रहेगा, क्यों मास नहीं है, किलोग्राम नहीं है तो जीरो रहेगा, सेकेंड स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर में माइनस टू रहेगा, और उसी के साथ हमारा टी मतलब टाइम है, और टाइम मल्टीप्लीकेशन में तो उसका वन रहेगा। एलएम इधर एलएम नहीं है, माइनस टू है, वन है, यहाँ पे इन दोनों के पीछे मल्टीप्लीकेशन का साइन है जैसे पहले कहा था, सो माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा। सो आपको ए टी के डायमेंशन मिल जाएंगे यहाँ पर, वन इन लेंथ, जीरो इन मास, माइनस वन इन टाइम, जो कि सेम है इनिशियल वेलोसिटी का और फाइनल वेलोसिटी के। सो इस इक्वेशन का यूज करके हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे, वेलोसिटी के डायमेंशन लिख लीजिए, वन इन लेंथ, जीरो इन मास, माइनस वन इन टाइम, फाइनल वेलोसिटी के। फिर इनिशियल वेलोसिटी लिख लेंगे, वन इन लेंथ, जीरो इन मास, माइनस वन इन टाइम, फिर प्लस का साइन दे देंगे, एटी के डायमेंशन लिख लेंगे, वन इन लेंथ, जीरो इन मास, माइनस वन इन टाइम। हेंस दिस इक्वेशन राइट इज डायमेंशनली करेक्ट। हेंस प्रूव ये डायमेंशनली करेक्ट है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है यानी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये डायमेंशन से इक्वल है और ये डायमेंशन से भी इक्वल, जब मल्टीप्लीकेशन का साइन रहेगा तो यहाँ पे टू माइनस टू आ जाता तो अलग हो जाएगा, बट यहाँ पे प्लस है तो ये एड होगा नहीं। यही यहाँ पे कहा गया है, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स राइट, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स आर सेम, देन द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया फर्स्ट इक्वेशन मोशन का एग्जाम्पल लेके, राइट। यहाँ पे आप सभी लोगों को दिख रहा है ना, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो ये इक्वेशन आपको अगर डायमेंशनली करेक्ट। ओके, यहाँ तक समझ में आप सभी लोगों को, सॉल्व कीजिएगा और दूसरे इक्वेशन लेके, या फिर सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन भी ले लीजिएगा मोशन का, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको जो आंसर मिल जाएंगे वो आंसर डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए, बीच में प्लस साइन रहो, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, तीनों के डायमेंशन सेम होना चाहिए, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन में ये तीनों आ चुके हैं यहाँ, राइट। चलते सेकेंड एनालिसिस के ऊपर, टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। अब रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी है, टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, लेट अस डिराइव द रिलेशन बिटवीन टी एल एंड जी। अब यहाँ पे हमें टी एल और जी का क्या करना है, रिलेशन डिराइव करना है। सिंपल पेंडुलम हम सभी को पता है, कंसिडर कीजिए रिजिड सपोर्ट है, ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे हमने इसका ये बॉब कनेक्ट किया है, बॉब का मास एम है, यहाँ पे ये लेंथ है और वो टू एंड फ्रो हो रहा है दोनों डायरेक्शन में, उसके ओरिजिन से टू और फ्रो होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो हमारा टी है, कंसिडर कीजिए राइट। सो यहाँ पे और उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्ट हो रही है, उसे हम जी कहेंगे राइट। ये हमारा बॉब है, उसका मास m है,
सो हमें सब हम सबको पता ही है कि रिलेशन क्या है टाइम और लेंथ के बीच में, जब सिंपल पेंडुलम की बात आती है तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये उसका रिलेशन है। ओके सो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एल की पावर ए है। ओके उसके बाद अल्सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, फिर हम ये भी कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे जी की पावर समथिंग बी है। सो कंबाइनली मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू ए जी रेस टू बी, ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, समझ में आया सभी लोगों को। बट अगर हमें यहाँ इक्वल टू, हमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस चाहिए, पहले भी हमें जो रिलेशन है वो भी हमें चेक करना था। अब इक्वल टू साइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का सेम रिमूव किया तो हम सम कॉन्स्टेंट के पुट करना पड़ेगा, या क्या एल रेस टू ए जी रेस टू बी, याद है सभी को पता चल गया। ओके फिर वे क्या है हमारा यहाँ पे कि कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। फिर अब हम लिखेंगे दोनों के डायमेंशन, तो हमें के डायमेंशन मिल जाएंगे। ओके या ए प्लस बी भी हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या है। देखिए टी है यहाँ पे हमारा जीरो इन मास, सॉरी जीरो इन लेंथ पे लिखेंगे जीरो इन मास और वन इन टाइम। टी यहाँ पे पीरियड है हमारा, टाइम है हमारा सिंपल पेंडुलम का। मैं यहाँ पे के को एज इट इज लिखूंगा, फिर एल नथिंग बट लेंथ है तो मैं लेंथ को यहाँ पे ए लिखूंगा लेंथ, फिर जीरो इन मास है जीरो इन टाइम है, समय में आप लोगों के यहाँ पे ये लेंथ हो गए। फिर जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका भी यहाँ पे एल की पावर बी आएगी, ये मास जीरो रहेगा और टी रहेगा माइनस टू और वो बी मल्टीप्लाई कर देगा माइनस टू बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे दोनों टर्म्स, क्या हो जाएंगे इज इक्वल टू के एल ए प्लस बी हो जाएगा, मास जीरो हो जाएगा और टी माइनस टू बी रहेगा। फिर हम कंपेयर करेंगे इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी के साथ में, ये तो हमारा क्या है वहां पे कांस्टेंट है। सो यहाँ पे सभी को पता है ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, एल की पावर जीरो है, ए प्लस बी की जीरो है, एम जीरो जीरो कैंसल। उसके बाद यहाँ पे बी माइनस टू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, वन इज इक्वल टू माइनस टू बी लिखा है, माइनस टू बी इज इक्वल टू वन लिखो, तो यहाँ पे हमें बी की वैल्यू मिल गई माइनस वन बाय टू, इजी मिल गई, माइनस टू को डिनोमीटर में डाल दिया। फिर यहाँ पे ये इक्वेशन था ए बी की वैल्यू अगर माइनस वन बाय टू तो माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, माइनस वन बाय टू अपोजिट साइड में आके प्लस वन बाय टू हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमें मिल गई वन बाय टू। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। सो मैं इसे अगेन ऐसा लिख सकता हूँ क्या, टी इज इक्वल टू के एल रेस टू ए जी रेस टू बी। अब मैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू जब मुझे मिली मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, टी इज इक्वल टू के एल रेस टू वन बाय टू जी रेस टू माइनस वन बाय टू। अब ये माइनस वन बाय टू है न्यूमरेटर में, तो इसे डिनोमिनेटर में डालूंगा तो ये माइनस वन बाय टू का प्लस वन बाय टू हो जाएगा, सिंपली के एल रेस टू वन बाय टू अपॉन जी रेस टू वन बाय टू। और पावर वन बाय टू है, इट मीन्स सभी को पता है वन बाय टू पावर है मतलब स्क्वायर रूट है, तो ये आपका आ गया के स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। और के की वैल्यू हमने इंटरप्रेट की यहाँ पे, के की वैल्यू है हमारी टू पाई, सो ये हो जाएगा अंडर रूट एल बाय जी। के की वैल्यू आप बोलेंगे सर टू पाई कैसे है, तो जैसे हम आगे जाएंगे वेव्स में, ओके तो वहां पे कुछ अपने को इक्वेशन देखनी है वेव्स के, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि के की वैल्यू टू पाई कैसे है। सो टी इज इक्वल टू, वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑसिलेशन में भी हमें देखना है के की वैल्यू किस तरह से है, क्योंकि ये पार्ट हमारा ऑसिलेशन का है। यहाँ पे देखिए टी ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सो टी की वैल्यू आ जाएगी टू पाई एंड डॉट एल बाय जी। हमें ये पीरियड सिंपल पेंडुलम के पीरियड का टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला यहाँ पे हमने ऑब्टेन किया है यूजिंग डायमेंशंस, राइट। तो ये जो गिवन हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी टाइम लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनके अंदर इनके बीच में हमने एक रिलेशनशिप एस्टाब्लिश कर ली टी इज इक्वल टू टू पाई स्क्वायर रूट एल बाय जी। ये थी हमारी सीधा सेकेंड एनालिसिस डायमेंशंस का यूज करके जो कि करेक्ट आया। अब चलते थर्ड के ऊपर, तो फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इनटू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
लेट अस यूज डायमेंशन एनालिसिस टू डिटरमाइन द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल एंड अर्थ। वन जूल इज इक्वल टू एक्स तक, मतलब आप दो सिस्टम है, हमारी एक सिस्टम है एस आई और दूसरे सिस्टम है सी जी एस। ऑब्वियसली एस आई और सी जी एस सिस्टम है, कोई तो भी एक एक्स फैक्टर रहेगा तब जाके ये इक्वेलिटी साइन हमारा करेक्ट आए। सो यहाँ पे एनर्जी वर्क का ऐसा यूनिट है हमारा वन जूल, उसका सीजियस यूनिट है हमारा अर्थ, बट उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ एक्स रहेगा जो इस इक्वेशन में यहाँ पे दिखा है, बराबर है। तो अब हम ऐसा यूनिट जो है सीजियस और सीजियस यूनिट है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है कौन से फिजिकल क्वांटिटी के लिए, वर्क के लिए या एनर्जी भी कह सकते हो क्योंकि एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल है और सीजियस यूनिट अर्थ है। तो इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप हमें देखने कन्वर्जन फैक्टर, एक्स क्या है आपका यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर, राइट। सो हम डायमेंशन फॉर्मूला से इसको फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या है वर्क का, टू इन लेंथ वन इन मास माइनस टू इन टाइम। ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों साइड में जूल और अर्थ में। देखिए कैसे करना है, सिंपल मैं इसे ऐसा लिख लू क्या, एक्स इज इक्वल टू जे अपॉन अर्थ, ओके, क्योंकि मुझे कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करना है। फिर मैं ऐसा यूनिट जो है जूल उसके डायमेंशन लिखूंगा टू इन लेंथ वन इन मास माइनस टू इन टाइम। ये मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा है, आपको लर्न ही करना है, देखिए कहाँ का यूजफुल है। अर्थ भी हम लिखेंगे टू इन लेंथ वन इन मास माइनस टू इन टाइम। तो आप लोग कहेंगे सर ये दोनों तो आपने सेम लिखे, दोनों में डिफरेंस नहीं। हाँ, क्योंकि डायमेंशन है ना, ये डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि यूनिट। बट जूल क्या है हमारा सभी को पता है, ये लिखना नहीं है, इमेजिन करना है बस। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसा यूनिट है, ये लिखना नहीं है यहाँ पे सॉल्व करते समय, ये सीजीएस यूनिट है। सो मुझे बताइए ऐसा यूनिट में लेंथ का ऐसा यूनिट क्या रहेगा हमारा मीटर स्क्वायर, मास क्या रहेगा केजी, और टाइम क्या रहेगा सेकेंड रेस टू माइनस टू। सेम डिनोमिनेटर में यहाँ पे सीजीएस है इसलिए लेंथ क्या रहेगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर, मास सीजीएस में जी यहाँ पे क्या रहेगा हमारा ग्राम, और टाइम रहेगा सेकेंड रेस टू माइनस टू। अब टाइम सेम है, सेकेंड रेस टू माइनस सेकेंड से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बचा क्या हमारे पास में केजी मीटर स्क्वायर और नीचे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनसे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगा हमारा कन्वर्जन फैक्टर एक्स। तो उसके पहले हम देखेंगे, सभी को बताएं वन के जी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ओके, और वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे मीटर का क्या है स्क्वायर है, अगर हम ये साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये साइड में भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 मीटर का स्क्वायर मीटर, 100 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। सो 100 का स्क्वायर रहेगा 100 इनटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल है। इसे मैं लिख सकता हूँ 10 रेस टू 2 इनटू 10 रेस टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 रेस टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, मीटर स्क्वायर मीटर रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेस टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 केजी 1000 ग्राम मतलब 10 रेस टू 3 ग्राम। अब ये दोनों जो वैल्यूज है हमारी ये और ये इन टर्म्स ऑफ पावर, ये हम कहां पुट करेंगे इस इक्वेशन में। सो एक्स ये क्या है हमारा एक्स इज इक्वल टू है, फिर केजी के लिए हम रखेंगे 10 रेस टू 3 ग्राम, मीटर स्क्वायर के लिए रखेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन में 10 रेस टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में तो हमारे ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर पहले से बैठे हुए हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस ऑफ इंडाइसेस आर सेम, एडिशन ऑफ पावर टेक्स प्लेस 10 रेस टू 3 प्लस 4 इक्वल टू 10 रेस टू 7, कन्वर्जन फैक्टर आ गया आपका 10 रेस टू 7, इसको यूनिट नहीं रहेगा क्योंकि ये सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर है हमारा एक्स, सो रहेगा 10 रेस टू 7। सो मैं इसे पुट करूंगा और पुट करके लिखूंगा फाइनली 1 जूल इज इक्वल टू एक्स कहा था यहां था 10 रेस टू 7 अर्ज, हमने फाइंड आउट कर लिया। तीसरा एनालिसिस समझ आप सभी लोगों के,
पहले हमने क्या देखे, एनालिसिस देखे, राइट। पहली प्रॉपर्टी क्या देखे, तो डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, तो चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन, हमने वो देखे। सेकेंड क्या देखे हमने, सेकेंड में हमने ऑप्टेन किए, क्या ऑप्टेन किए, फॉर्मूला ऑप्टेन किए, किसका, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन का हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऑप्टेन किए बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। थर्ड हमने क्या ऑप्टेन किए, कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द टू एसआई यूनिट, सॉरी टू एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट, टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हमने क्या किए, कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या थी हमारी, वर्क सेम थी, फिजिकल क्वांटिटी सेम थी बट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे थे, डिफरेंट है, एक थी हमारी एसआई और दूसरी थी हमारी सीजीएस, तो उनके बीच का जो कन्वर्जन फैक्टर 10^7 था द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमने फाइंड आउट कर लिए। और आपको लर्न करना है 1 J = 10^7 आर्ज। प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल में आपको 11th 12th में नीट जेई एम्स केवीपीवाई आईएसएल एंट्रेंस बीट सेट हर एक एग्जाम में इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये कन्वर्जन फैक्टर ध्यान में रहना जरूरी है। और ट्विस्ट करके इसी तरह से क्वेश्चन पूछते, एक तो आपको अर्ज में दिया होगा सीजीएस में क्वांटिटी देगी एसआई यूनिट में ऑप्शन एसआई यूनिट करेंगे, या तो आपको एसआई यूनिट में ऑप्शन गिवन दिया हुआ रहेगा और ऑप्शन सीजीएस यूनिट करेंगे, इस तरह से रहेगा वाइस वर्सा। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एंड इट इक्वल्स टू 4.2 जूल, वेयर 1 जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेस्ट -2। समझ में आया यहां तक, ये जूल का क्या है, जैसे हमने देखे थे न्यूटन का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑब्वियसली जूल मतलब क्या है, वर्क डन एनर्जी, वर्क डन में क्या रहता है हमारा फोर्स सेंटर डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट रहेगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड रेस्ट -2। इसी वीडियो में हमने जो टेबल है उसके अंदर देख लीजिए, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। A distance civilization employs a system of in which the unit of mass, length and time are alpha kg, beta meter and gamma second. किसी सिविल ने क्या किया कि खुद की सिस्टम बनाई और उसके खुद के यूनिट दिए जिसमें मास है हमारा अल्फा kg, लेंथ है बीटा मीटर और टाइम है गामा सेकेंड, और जे उनका यूनिट है एनर्जी का। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलोरी इन देयर यूनिट, सो उनके यूनिट में कैलोरी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, राइट। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ये हमें पता है। सो गिवन हम लिखेंगे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ये हमें पता है, बराबर गिवन दिया उन्होंने 1 जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड रिस्टो -2, राइट। अब यहां पे आप कंसीडर कीजिएगा कि मास का यूनिट लेंथ और टाइम यहाँ पे है अल्फा केजी बीटा मीटर गामा सेकंड, सो उसके लिए हमें कुछ क्वांटिटी कंसीडर करना पड़ेगी। कैसे, 1a आपका है अल्फा केजी, बराबर, फिर 1b आपका है बीटा मीटर, फिर 1c आपका है गामा सेकंड्स, ओके। और कैलोरी तो हमें गिवन है, फिर इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। हम इस तरह से कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे मैं आपको अलग मेथड दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए, देखिए आपको बुक में दिया हुआ नहीं है, एक्सप्लेन किया हुआ नहीं, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाते हैं, सॉल्यूशन में पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, केजी की, केजी की वैल्यू क्या रहेगी हमारी यहाँ पे, ए अपॉन अल्फा, इससे अल्फा इधर चला जाए 182 ए रहेगा, फिर मीटर पे आएंगे, मीटर की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, ऑब्वियसली बी अपॉन बीटा, फिर हम आएंगे सेकंड पे, सेकंड की वैल्यू क्या रहेंगे हमारी, सी अपॉन गामा। समझ में आप लोगों के, यहाँ पे ये क्यों किया हमने, क्योंकि 1 जूल के आगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेस्ट -2 है, इसीलिए हमें इनकी वैल्यू निकालना पड़ी, गिवन जो हमें यहाँ पे जो गिवन दिया है, इस गिवन को उसने जो सिविल ने जो सिस्टम एम्प्लॉय की है, बराबर ना, तो एबीसी हमने उस सिस्टम को कंसिडर की है, राइट। सो अभी हम आगे देखते हैं, यहाँ पे 1 जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड रेस्ट टू -2, सिंपली केजी आ जाएगा ए अपॉन अल्फा ब्रैकेट में, मीटर स्क्वायर आ जाएगा बी अपॉन बीटा का स्क्वायर, फिर इसमें आ जाएगा सी अपॉन गामा रेस्ट टू -1 जूल, फिर हम क्या लिखेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू ए बीटा स्क्वायर सी रेस्ट टू -2 अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर गामा रेस्ट टू -2,
समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4.2 लिखना मैं भूल गया था, तो यहाँ पे अपना जो है 4.2 है ना कैलोरी का, राइट। सो 4.2 भी हम देखेंगे, देखना बोल गया मतलब ये जूल ही देख रहे हैं, ओके ये जूल की वैल्यू हो गई। फिर 1 कैलोरी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे अभी लिखता है वो 4.2 जूल, राइट। सो 4.2 इंटू ए बी स्क्वायर सी रेस टू माइनस टू अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर गैमा रेस टू माइनस टू। तो हमें क्या था, व्हाट विल बी द मैग्नेट ऑफ कैलोरी इन देयर यूनिट्स, उसने जो सिस्टम ऑफ यूनिट बिठाई है ये उसके सिस्टम ऑफ यूनिट है, और ये रहा तुम्हारा ब्लू पेन से जो मैं राउंड कर रहा हूं, ये रहा तुम्हारा न्यू मैग्नीट्यूड कैलोरी का इन देयर सिस्टम ऑफ यूनिट। सो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, 4.2 अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर गामा रेस टू माइनस टू, राइट, ये रहेगा आपका मैग्नीट्यूड। आया समझा आप सभी लोगों को, सिस्टमेटिकली लिखना है आप सभी ने, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं। हमने पहले केजी मीटर और सेकेंड की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए गिवन डेटा से, राइट, ये गिवन था क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मास लेंथ और टाइम की एक सर्टन सिस्टम की थी, जो सिस्टम हमें पता है जिसे हमने उसे एबीसी लिया, फिर केजी मीटर सेकेंड की हमने वैल्यूज यहाँ पे निकाली, वो वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी जूल में, 1 जूल की वैल्यू हमें पता चल गई, फिर 1 कैलोरी 4.2 जूल था, फिर जो जूल की वैल्यू थी ये वैल्यू हमने यहाँ पे उठा के पुट कर दी। सो ये जो आया मैग्नीट्यूड, और ये रहा आपका यूनिट जो सिविलाइजेशन ने उसकी खुद की सिस्टम बनाई थी यूनिट्स की, तो ये उसकी सिस्टम आ गई यूनिट्स की, और ये हो गया तुम सबका मैग्नीट्यूड, राइट, 4.2 पर अल्फा बीटा स्क्वायर गामा रेस टू माइनस टू, ओके। सो ये प्रॉब्लम में इतना ही एक्सपेक्टेड था, ये मैग्नीट्यूड हमारा ये फाइनल आंसर है, वर्डिंग में लिख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस थे, चार लिमिटेशंस से देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली, राइट। जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है इनकी वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे एक्सपेरिमेंट से ही, थ्योरेटिकली ऑब्टेन करना डिफिकल्ट है। सेकेंड, डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एज दिस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, राइट। ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, ये जो तीनों क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस है। सो इन तीनों क्वांटिटी के यूज करके जो फिजिकल क्वांटिटी में इन तीन क्वांटिटीज का यूज होगा, कुछ में लॉग है, कुछ में एक्सपोनेंट है, कुछ में ट्रिग्नोमेट्री है। अब जब हम वेव का इक्वेशन लिखते हैं साइनसोइडल वेव का, तो इन टर्म्स ऑफ हम साइन लिखते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वहां पे आता है, और वहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आता है या लॉग भी वहां आता है, तो वहां पे डायमेंशन, ये तीनों क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशन एनालिसिस वहां यूज ही नहीं है, ये होगा उसका लिमिटेशंस। फिर दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तीसरा है हमारा, अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं रहेगी, बराबर, जो एग्जांपल है पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू, राइट। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये है। बट यहाँ पे जो जी है ये कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, बट इट इज नॉट अ डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस नहीं है। यहां इस जी को उसके एसआई यूनिट है, और एसआई यूनिट है इट मीन्स उसको डायमेंशंस भी है। सो ये हो गया उसका तीसरा ड्रॉबैक, क्योंकि कॉन्स्टेंट अगर डायमेंशन लेस है, जैसे वहां पे के हमने देखा था, के फाइंड आउट के की वैल्यू 2π थी, मैग्नीट्यूड 2π, पाई की वैल्यू 3.1468 आ गया, के की वैल्यू 2π थी, राइट। सो ये डायमेंशन लेस था, इसीलिए हमें वो इजिली मिल गया। अब यहाँ पे ये डायमेंशन लेस नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं होगा डायमेंशन एनालिसिस से। सो ये उसका थर्ड ड्रॉबैक था, थर्ड लिमिटेशन था। लास्ट, इफ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन्स सम मोर टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशन इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट देयर प्रेजेंस यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। अगर करेक्ट इक्वेशन में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आते हैं एक्स्ट्रा डायमेंशन के साथ में या सेम डायमेंशन के साथ में, सो उनका प्रेजेंस उस डायमेंशन इक्वेशन में दिखाना पॉसिबल नहीं है। ये था हमारा चौथा ड्रॉबैक, राइट। एग्जाम्पल के साथ मैंने लिमिटेशन सबको एक्सप्लेन किए हैं। सो अच्छे से वीडियो देखिएगा, कुछ डाउट आते हैं तो आप माइंड बी की वेबसाइट के ऊपर जो ईमेल है उसके ऊपर आप डाउट लिख सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो व्हाट्सएप नंबर भी उसके ऊपर है, आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे डाउट सेंड कर सकते हैं, आपके डाउट्स लाइव सेक्शन में, लाइव लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे, ओके।
सो यहाँ पे ये थर्ड वीडियो हम एंड करते हैं। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल को आने वाले वीडियोस के लिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे गाइस।